भारतीय टीम के मौजूदा विश्व कप में प्रदर्शन के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट शराफत खान। तो आइए जानते हैं भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में। शराफत जी, भारतीय टीम के मौजूदा प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय टीम ने अपने वर्ल्ड कप 2015 के अभियान की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार अंदाज में की है। पहले मैच में पाकिस्तान को 76 रनों से हराया और उसके बाद में वो हुआ जिसकी उम्मीद बहुत कम क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को 130 रनों के अंतर से हराना ये चमत्कार से कम नहीं है। और जीत के बाद भारतीय टीम के बढ़े हुए आत्मविश्वास को देखा जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है कि भारतीय टीम आत्मविश्वास बढ़ चुका है और वो वर्ल्ड कप 2015 में धमाका करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम का वर्ल्ड कप अभियान ऑन द ट्रैक है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी बड़ी टीमें भारतीय टीम के आगे बौना साबित होंगी और भारतीय टीम अपने मंजिल को जरूर पा लेगी। सर, भारतीय टीम विश्व कप में काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय टीम में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? भारतीय टीम ने अब तक वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, 2 बड़ी टीमों के खिलाफ देखें, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की। अब देखना यह है कि आने वाले मैचों में जब भारतीय टीम किसी बड़े स्कोर को चेस करेगी, 290-300 के आसपास का जब लक्ष्य भारतीय टीम के सामने होगा तो क्या गेम प्लान होगा। हमने ये भी देखा कि पहले 3 बल्लेबाज भारतीय टीम के अच्छा प्रदर्शन करते हैं और लॉन्ग ओवर में रन नहीं बने और भारतीय टीम एक समय 350 रन के स्कोर तक पहुंचती दिख रही थी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी यही हुआ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी यही हुआ। तो जब चेस करेगी तो क्या माइंडसेट होगा, तो वो मुझे लगता है कि वहां भारतीय टीम को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और हाँ, गेंदबाजी में थोड़ा और धार आएगी तो हम भारतीय टीम को और अच्छा खेलते हुए देख सकते हैं। स्लॉग ओवर्स में भारतीय टीम बिगड़ती नजर आ रही थी पिछले मैच में और उसके पिछले मैच में भी यही हाल हुआ था भारतीय टीम का। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम को क्या डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जैसे कि स्लॉग ओवर्स का ये जो सूखा है या काल है इसको खत्म किया जा सके? देखिए, स्लॉग ओवर्स के लिए कोई अलग से रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी बात जो सामान्य बात रही जो आप कह रहे हैं कि स्लॉग ओवर में रन नहीं बने, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला नहीं चला। हमने देखा कई मैचों में भारतीय कप्तान ने तेजी से टीम के स्कोर को गति दी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय कप्तान नहीं चल पाए। मुझे लगता है ये जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी ऊपरी क्रम में शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा के कंधों पे होती है, वही जिम्मेदारी नीचे बाद के ओवरों में सुरेश रैना और धोनी के कंधों पर होती है। तो धोनी अभी तक तो अपने बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए। जिस दिन धोनी का बल्ला चलेगा आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि स्लॉग ओवर में रन नहीं बनते। शराफत जी, विश्व कप की शुरुआत में माना जा रहा था कि भारतीय टीम की गेंदबाजी बहुत खराब है, बहुत कमजोर है, लेकिन हाल ही के मैचों में भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ये साबित कर दिया है कि उनके सामने विश्व के चोटी स्तर की गेंदबाजी भी एक बौनी साबित हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब भारतीय टीम की गेंदबाजी को हम देखें तो ऑन द पेपर वो उतनी कमजोर भी नहीं है। हम मोहम्मद शमी का ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, उमेश यादव भारत के सबसे तेज गेंदबाज हैं, भुवनेश्वर कुमार हालांकि ज्यादा मैच नहीं खेले लेकिन हम उनकी स्विंग की काबिलियत के बारे में जानते हैं, अश्विन ने भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तो भारतीय टीम की गेंदबाजी को लेकर सिर्फ एक डर था जो कि झूठा साबित हुआ है। भारतीय बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम की मौजूदा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, बल्लेबाजी निश्चित तौर पर भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी भी भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है। हमने देखा महत्वपूर्ण मौकों पर धोनी के फैसले सही साबित होते हैं और गेंदबाजी के दौरान हम ब्रेक थ्रू पाने में कामयाब होते हैं। भारतीय टीम की सफलता में निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा योगदान है। तो ये थी क्रिकेट एक्सपर्ट शराफत खान के साथ खास मुलाकात। वर्ल्ड कप से जुड़ी सभी खबरों और आलेख के लिए वेब दुनिया पर हमारा वर्ल्ड कप पेज जरूर देखें।